जो कि रिसेंटली मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया है एंड इससे पहले मैंने द डरमाको का टेन परसेंट नियासिनामाइड सीरम जो है यूज किया था बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वो सीरम जो है फ्रेग्रेंस फ्री नहीं था एंड वो सीरम जो है मुझे फ्रेग्रेंस के वजह से ही वो बिल्कुल भी मेरी स्किन में अच्छे से नहीं गया था एंड उसका भी मैंने एक डेडिकेटेड रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था बट ये प्रोडक्ट जो है टोटली फ्रेग्रेंस फ्री है एंड इसमें जो परसेंटेज है नियासेनामेट का वो है फाइव परसेंट मेरी स्किन में पता नहीं क्यूँ टेन परसेंट है मेरी स्किन में उतना अच्छे से नहीं सूट करता है या फिर उतना अच्छे से नहीं जाता है जितना लोअर परसेंटेज के लाइक like फाइव या फिर उससे भी कम परसेंटेज के नियासेनामेट जितना अच्छे से सूट करता है मेरी जो प्रीवियस फाइव परसेंट बेस्ड सीरम है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है सो आई थॉट दिस इज अ बेस्ट टाइम टू ट्राई न्यू फाइव परसेंट सीरम तो ये जो फाइव परसेंट नियम सिरम है एंड इसमें जो है एक और अच्छा इंग्रेडिएंट है वो है अल्फा एंड ये एक अर्ब्यूटिन सीरम है मतलब इसमें मल्टीविटामिन भी यूज हुए हैं एंड दिस सीरम क्लेम कि ये क्लियर एंड स्पॉटलेस स्किन देगा तो डेफिनेटली दे सकता है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट उस तरीके के हैं क्योंकि इसमें नियनाइड है एंड इसमें अल्फा अर्ब्यूटिन है इससे पहले मैंने आप लोगों को काफी बार मैंने ये बोला है कि अल्फा एर्ब्यूटून जो है मेरी स्किन में उतना अच्छे से सूट नहीं करता है पता नहीं क्यों मतलब अल्फा एर्ब्यूटून के साथ मैंने इससे पहले एक प्रोडक्ट यूज किया था जो कि है दूसरे ब्रांड से तो वो मेरी स्किन में उतना अच्छे से सूट नहीं किया था मेरी स्किन में जितने भी पिगमेंटेशन थे वो और भी आ, मतलब अच्छे से दिख रहा था बट द डरमा को टू परसेंट कोजिक एसिड के साथ जो अल्फा एर्ब्यूटून सीरम है जो कि मैंने किसी एक प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है वो प्रोडक्ट जो है मेरी स्किन में बहुत अच्छे से सूट किया है एंड फिर से ये जो प्रोडक्ट है जो कि निया के साथ अल्फा रिब्यूटर है इसको मैं यूज़ कर रही हूँ डेफिनेटली इसको भी यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन मुझे दिख रहा है कि ये सीरम भी मेरी स्किन में सूट कर रहा है

इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें मतलब फुल इंग्रेडिएंट्स के नाम अगर मैं मेंशन करने जाऊँ तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूं आप देख रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है प्यरीफाइंग वाटर एक वाटर बेस्ड सीरम है देन इसमें सेकंड जो इंग्रेडिएंट यूज हुआ है वो नियासिनामाइड से सीरम है देन इसके बाद थर्ड इनग्रीडियंस में यूज हुआ है अल्फा आरबीओडी एंड इसमें जो फिफ्थ इनग्रीडियंट है वो है जिंक पीसी जिंक पीसी इस तरह का एक इनग्रीडियंट है मोस्टली एक्ने स्किन के लिए तो बेस्ट इन्ग्रीडियंट है, है। मतलब कोई भी एक्ने स्किन वाले हैं अगर आप एक्ने स्किन फैमिली से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी मॉइस्चुराइजर हो या फिर सीरम हो उसमें अगर जिंक पीसी होता है तो डेफिनेटली वो आपके स्किन में बहुत अच्छे से वर्क करेगा एज यू कैन सी दिस सीरम क्लेम कि ये क्लियर एंड स्पॉटलेस स्किन देगा तो डेफिनेटली ये आपके स्किन में अगर कोई भी एक्नेस है उसको भी क्लियर आउट करेगा एट द सेम टाइम अगर आपकी स्किन में कोई भी स्पॉट है डार्क स्पॉट है पिगमेंटेशन है उसको फेड आउट करने में भी ये आपको हेल्प करेगा नियोसिनामाइड सीरम जो है काफी लोग बोलते हैं कि नियोसिनामाइड सीरम को यूज करने से आपकी स्किन में जो है ऑयल प्रोडक्शन रिड्यूस होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग में कंटिन्यू नियमाइट सीरम को यूज कर रही हूँ मतलब ऑयल रिडक्शन में तो ऑइल प्रोडक्शन में सीरम प्रोडक्शन में अभी तक मैंने कोई भी रिडक्शन नहीं देखा है इस चीज को छोड़ के बाकी जो भी क्लेम है नियोसिनामाइट को लेकर वो सारे क्लेम्स ऑलमोस्ट सही है मतलब ये आपकी स्किन में कोई भी रेडनेस है आपका अगर आपकी स्किन में डैमेज है आपको स्किन कोलाजेन के लिए आपके स्किन के बेरियर को डैमेज बेरियर को रिपेयर करने के लिए आपके स्किन में कोई भी पिगमेंटेशन है स्किन को कामिंग करने के सूदिंग करने के लिए सभी चीजों के लिए न्याय जो है एक बेस इंग्रेडिएंट है लाइक हीरो इंग्रेडिएंट है एंड इसके बाद ही थर्ड इंग्रेडिएंट में आता है अल्फा अल्फाइट तो अल्फा बुटिल एक टाइप का इनहिबिटर्स है मतलब इनबिटर्स प्रोडक्शन अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा होता है है तो उसको ये मतलब, आ, सबसाइट करता है, इसको ये मतलब सबसाइड करता इसको रोकता है तो अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है मेलाजमा है फ्रेकल्स है जैसे कि आप देख रहे हो मुझे फ्रेकल्स की प्रॉब्लम है तो फ्रेकल्स है तो अगर आपको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है डार्क पिगमेंटेशन है काफी पुराने पिगमेंटेशन जो कि फेड नहीं हो रहे हैं उस तरीके की स्किन के लिए अल्फा अल्फाबन जो है बेस्ट इंग्रेडिएंट है अल्फाइलन जो है मेरी स्किन में सूट नहीं करता है कुछ फॉर्मुलेशन जो है सूट करता है बट पर्टिकुलरली मैं अगर अल्फा अल्फाइट सीरम को ही यूज़ करने जाऊँ जिसमें मेन पोर्टेन इन्ग्रीडियंट अल्फाडन है वो प्रोडक्ट मेरी स्किन में सूट नहीं करता है पता नहीं क्यों बट डेफिनेटली दिस सीरम मेरी स्किन में मतलब डेफिनेटली ये जो सीरम है ये मेरी स्किन में बहुत अच्छे से सूट किया है एंड इसको मैं कंटिन्यू यूज कर रही हूँ काफी दिन से एंड इसको यूज करते हुए मैंने जो चीज़ फील की है कि ये सीरम जो है बहुत ही लाइट वेट है बहुत ही रनी है एंड मोस्टली uh, कोई भी नहीं सर सीरम को अगर आप देखोगे तो उसमें स्नेली एक स्नेल टाइप ऑफ टेक्चर होती है बट इसमें उस तरह का मतलब बहुत ज्यादा स्नेली टेक्स्र नहीं है लाइट uh, वेट है एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है और बहुत ज्यादा रनी भी नहीं है मिडिल काइंड ऑफ इसका टेक्चर है स्किन में अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी आपकी स्किन साइनी ग्लॉसी या फिर ने सब को नहीं देता है तो जो की बहुत ही अच्छी बात है स्पेशली फॉर एक्सट्रीम लोइल स्किन है मेरी भी सीजन हो किसी भी टाइम पे मैं इसको आराम से पेयर अप कर सकती हूँ एंड अदर स्किन टाइप को भी मैं रिकमेंड करूंगी क्योंकि इसका और ओवरऑल जो फिनिशिंग है ओवरऑल जो इसका स्किन में हाइड्रेशन भी देना एट द सेम टाइम बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं होना एंड बिल्कुल भी ड्राइंग भी नहीं फैल होता है तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक ओवरऑल एक अच्छा सिरम है फॉर ऑल स्किन टाइप इसमें जितने भी मल्टीविट हैं उनके नाम में स्किन पे मेंशन कर रही हो तो आप देख सकते हो इतने सारे इसमें हुए एक बहुत ही अच्छा बिगिनर फ्रेंडली सीरम है एलोबेस मतलब कोई भी सीरम हो एलोवेरा सूट नहीं करता है तो वो एलोबेसेंट नियामाइट भी यूज कर निया करना है काफी लोगों को सिका भी सूट नहीं करता है लाइक सिका काफी बार इट्रेशन देता है तो जिनको सिका सूट नहीं करता है सिका के साथ फाइव परसेंट जिनको जिनके लिए ऑप्शन नहीं है अवेलेबल उनके लिए आई थिंक

से कहां आ, तक आई माइक्रो नीडल के ऊपर भी एक वीडियो शेयर किया था लाइव वीडियो शेयर किया था तो उस वीडियो को जाके जरूर देखे उससे आपको पता चल जाएगा मेरी स्कार भी कितना फेड हो गया है आप देखोगे यहाँ से थोड़ा सा थोड़ा बहुत स्कारिंग पता चल रही है नियासनामेट जो है एक्ने स्कारिंग के लिए भी बहुत अच्छा हेल्प करता है अगर आप रेटिनॉल या फिर रेटिनोइट या फिर स्किन सेल टर्नो ओवर इंग्रेडिएंट के साथ अगर नियासनामेट को पेयर अप करोगे तो वो और भी बूस्टअप होता है और भी अच्छे से वो वर्क करता है फास्ट रिजल्ट देता है आपको तो मेरा आज का वीडियो आई होप ये ये रिव्यू वीडियो एंड ये रिकमेंडेशन आप लोगों को अच्छी लगी है परचेस करने का मन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें मैंने वहाँ पे परचेस लिंक एंड एक डिस्काउंट कोड भी शेयर किया है जिसको यूज करके आप लोगों को ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल जाएगा एक स्टॉक मिल जाएगा मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इस कोड से जस्ट डिस्काउंट कोड है फॉर माई ऑडियंस एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कॉमेंट करना ना भूले कोई भी रिकमेंडेशन है रिक्वेस्ट है तो जरूर लिखे कॉमेंट बॉक्स में मैं फुलफिल करने की कोशिश जरूर करूंगी अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साइड बटन को हिट कर दे इस वालीफिकेशन मिस नहीं करते